दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति कई छात्रों के भविष्य की राहों में रोड़ा बन जाती है। ऐसे ही छात्रों की मदद के लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, जो मेधावी और आर्थिक स्तर पर कमज़ोर छात्रों को उनकी आगे की पढ़ाई करने में मदद करती है। यह आर्थिक सहायता स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है। इसका ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि गरीब स्कूली छात्रों को आर्थिक मदद कराने और स्कूल ड्रॉप आउट रेट में कमी लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। यह स्कॉलरशिप स्कूली छात्रों के लिए है। स्कॉलरशिप की राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष है। इस योजना के तहत हर वर्ष 1 लाख नई स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। गरीबी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को इस स्कॉलरशिप से काफ़ी लाभ मिलेगा और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। कब तक कर सकेंगे आवेदन? दोस्तों, आपको बता दें कि 2022-2023 के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आपको बता दें कि राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक चुने हुए छात्रों को हर वर्ष 1 लाख की नई स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उस स्कॉलरशिप को जारी रखा और उसका अपग्रेड किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप योजना को राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल NSP छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना के लिए एक समग्र प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। NMMSS स्कॉलरशिप DBD मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा चुने हुए छात्रों के बैंक में सीधे वितरण किए जाते हैं। दोस्तों, जिन छात्रों के माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वह इस स्कॉलरशिप के पात्र हैं। स्कॉलरशिप के योग्य होने के लिए चयन परीक्षा में बैठने वाले छात्र के पास 8वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या बराबर ग्रेड होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी किसी अन्य स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।